हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एरो इंडिया शो के दौरान सुरक्षा के लिए गरुण कमांडोज ने स्थापित करी थी स्नाइपर ग्रिड। भारत का फिफ्थ जनरेशन फाइटर AMCA 2024 तक रोल आउट होने के लिए है तैयार। टॉप ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि LCA नेवी के प्रोटोटाइप में भी मौजूद है ऑटोमेटिक टेक ऑफ वाली कैपेबिलिटी। करीब 10 सालों का समय लगेगा DRDO को स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने में। NBC क्लोथिंग के लिए खुद का नेशनल स्टैंडर्ड बनाने वाला भारत बना दुनिया का चौथा देश। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि 2021 का एरो इंडिया शो काफी ज्यादा शानदार रहा है, और खास करके भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए। लेकिन इस बार के एरो इंडिया शो में एक ऐसी भी चीज हुई है जो आज से पहले एरो इंडिया के किसी भी शो में नहीं हुई थी, और जिसकी जानकारी अब निकलकर सामने आई है। और वो यह है कि इस बार 3 दिन तक चले इस एरो इंडिया शो में इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट यानी कि एलीट गरुण कमांडोज को डिप्लॉय किया गया था। और इन गरुण कमांडोज ने जिस ग्राउंड पर ये एरो इंडिया शो चल रहा था उसके चारों तरफ एक स्नाइपर ग्रिड स्थापित की थी, और इस स्नाइपर ग्रिड जमीन और हवा दोनों पर थी। यानी कि इस एयर शो की सुरक्षा के लिए गरुण कमांडोज के स्नाइपर्स जमीन और हवा दोनों पर मौजूद थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें नया क्या है, तो आपको बता दें कि इसमें नया यह है कि पहले की तरह इस बार एयरो इंडिया शो में गरुण कमांडोज आम जनता के सामने आसानी से विजिबल नहीं थे। यानी कि अगर आप उस एयरो इंडिया शो में होते तो आपको पता भी नहीं चलता कि गरुण कमांडोज आपके चारों तरफ हैं और वो आप पर निगरानी भी कर रहे हैं। और बाकी आप गरुण स्पेशल फोर्स के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि इस स्पेशल फोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एरो इंडिया शो के दौरान रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है क्लस्निकोव की AK-203 असॉल्ट राइफल्स वाली डील को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और ऑफिशियल्स का कहना है कि अब ये डील औपचारिक रूप से साइंड होने के लिए तैयार है। बाकी इस एरो इंडिया शो में जो बंधन सेरेमनी कंडक्ट की गई थी, इस बंधन सेरेमनी में DRDO ने 20 इंडस्ट्रीज को उनके द्वारा विकसित की गई करीब 14 टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करने के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हैंडओवर किया है। बाकी इसके अलावा LCA तेजस के प्रोग्राम डायरेक्टर ग्रीस देवघर का कहना है कि 83 LCA तेजस MK-1A की डील फाइनलाइज हो जाने के बाद अब 2026 तक 3 नए फाइटर जेट्स अपनी उड़ान भरेंगे, जिसमें से 2 फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे और 1 इंडियन नेवी के लिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा फिफ्थ जनरेशन फाइटर AMCA है, उसके MK-1 वाले वेरिएंट की 2 स्क्वाड्रंस में पहले तो इंपोर्टेड इंजन से इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी कि वो इंजन जो दूसरी कंट्रीज से लिए जाएंगे। लेकिन जो AMCA का MK-2 वाला वेरिएंट होगा, उस वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स एक बड़ी संख्या में चाहती है, और इसलिए हम उस वर्जन में और भी ज्यादा पावरफुल एक स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि इस एयरक्राफ्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर हम इसमें जब भी अपना नया स्वदेशी इंजन फिट करेंगे तो उसमें कोई ज्यादा बड़े बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। और AMCA का प्रोटोटाइप 2024 तक रोल आउट किया जा सकता है, और फिर 2025 तक इसकी पहली उड़ान कंडक्ट की जा सकती है। और यहां तक कि जो पहले AMCA के लिए कुछ जरूरी पार्ट्स हैं, उनका प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुका है। और ग्रीस देवधर ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि जो AMCA का MK-2 वाला वेरिएंट होगा, ये ऑप्शनली मैंड प्लेटफॉर्म होगा। यानी कि इस एयरक्राफ्ट के साथ आप ये चूज कर सकेंगे कि इस एयरक्राफ्ट को मैंड एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल करना है या अनमैंड एयरक्राफ्ट की तरह। आसान शब्दों में कहा जाए तो AMCA MK-2 को किसी UAV की तरह कॉकपिट के अंदर बिना किसी पायलट के भी ऑपरेट किया जा सकेगा, और इसी वजह से ये एक 5.5 जनरेशन का फाइटर होगा। और उम्मीद की गई है कि AMCA के MK-2 वाले वर्जन का प्रोडक्शन 2034 या 35 से शुरू हो जाएगा। और इस फाइटर की जो इंटरनल बे है, उससे ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। और केवल यही नहीं, बल्कि ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज जो इसके लिए बनाई गई हैं, वो टेस्ट हो चुकी हैं, और कुछ ही टेक्नोलॉजीज विकसित होनी बाकी हैं, और वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। और आपको क्लियर कर दें कि 2026 तक उन्होंने जिन 3 नए फाइटर जेट्स की उड़ान भरने की बात कही है, उनमें शामिल है तेजस MK-2 और AMCA जो इंडियन एयरफोर्स के लिए है, और तीसरा है TDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जो कि होगा इंडियन नेवी के लिए। और उनका ये भी कहना था कि इंडियन नेवी इस फाइटर को 2031 तक इंडक्ट करने पर विचार कर रही है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि उनका ये भी कहना था कि TDBF फाइटर में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी भी होने वाली है। हालांकि ये वाली जो कैपेबिलिटी है, ये AMCA फाइटर्स में तो जरूर होगी, और खास करके उसके MK-2 वाले वर्जन में। और इसी के साथ जो AMCA प्रोग्राम है, इसके साथ हम 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। और जबकि इंडियन एक्सप्रेस के साथ बात करते हुए उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं मालूम है कि जो LCA नेवी है, उसके प्रोटोटाइप में ऑलरेडी ऑटोमेटिक टेक ऑफ वाला फीचर शामिल है। यानी कि LCA नेवी का जो प्रोटोटाइप बनाया गया है, उसमें अभी भी हैंड्स फ्री टेक ऑफ वाली कैपेबिलिटी ऑलरेडी शामिल हो चुकी है।
आज शनिवार को भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनका कहना था कि पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के लिए भारत और चीन के टॉप मिलिट्री कमांडर्स के बीच करीब 9 बार मीटिंग हो चुकी है और इस तरह की मीटिंग भविष्य में भी जारी रहेगी। और उनका कहना था कि मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है और ये निर्भर करता है ट्रूप्स पर, और डिसएंगेजमेंट के लिए आपको वहाँ की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ की पोजीशन क्या है, वहाँ क्या हो रहा है, ये सब चीजें। और इसलिए ये सब चीजें मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग के थ्रू ही हो सकती हैं। और जबकि अभी हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस एनालिस्ट डिट्रस्पा की तरफ से एक लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने रिमोट ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को अब रेल नेटवर्क से कनेक्ट कर रही है ताकि उन क्षेत्रों पर एक बेहतरीन लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जा सके। और जो ये नया रेलवे नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है ये मुख्य रूप से चाइनीज आर्मी को उनकी वेस्टर्न थिएटर कमांड पर भविष्य में एक आसान मिलिट्री मोबिलाइजेशन में मदद करेगा और एक तरीके से उन्हें ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और आपको रिमाइंड करा दें कि चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड वो है जो भारत के साथ लगी सीमा पर डील करती है। इसके अलावा एक खास खबर यह है कि आज सीआरपीएफ की एलीट कोबरा कमांडो बटालियन में विमेन कमांडोज के पहले बैच को भी शामिल कर दिया गया है और विमेन कमांडोज के इस पहले बैच में टोटल 34 विमेन पर्सनल शामिल हैं। और सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि भले ही इन विमेन कमांडोज को कोबरा यूनिट में शामिल तो कर दिया गया है लेकिन अभी इन्हें 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा और ये ट्रेनिंग ठीक वैसी ही होगी जैसे कि मेल कमांडोज को दी जाती है। और 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन विमेन कोबरा कमांडोज को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा जिनमें छत्तीसगढ़ और झारखंड भी शामिल हैं। और एक खास बात ये भी है कि कोबरा यूनिट में इन विमेन कमांडोज को उस दिन शामिल किया गया है जब सीआरपीएफ की पहली महिला बटालियन यानी कि 88th बटालियन की स्थापना हुई थी और जिसके साथ सीआरपीएफ एशिया रीजन की पहली ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बनी थी जिसने अपनी सर्विस में विमेन पर्सनल को भी शामिल किया था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित कर दें कि हमारी जनवरी महीने की विदेश ई मैगजीन पब्लिश हो चुकी है और जो पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये ई मैगजीन केवल 11 रुपए में मिलेगी। और अगर आप इस ई मैगजीन को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है जिस पे जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। भारत फोर्ज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा साहेब कल्याणी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाया है कि भारत अपने खुद के फाइटर जेट इंजन को विकसित कर सकता है और उनका अनुमान है कि भारत को अपने फाइटर जेट इंजन को विकसित करने में लगभग एक दशक का समय लग सकता है यानी कि करीब 10 साल। और उनका यह भी कहना था कि उनके मुताबिक DRDO डिफेंस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने में एक सेंट्रल पिलर की तरह काम करती है और DRDO ने पिछले कुछ सालों में अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज को अपने पार्टनर्स के तौर पर चुनने का जो नया मॉडल अपनाया है ये उन्हें कई सारी चीजें खुद से विकसित करने में मदद करेगा। और इसी नए मॉडल को ध्यान में रखकर ही उन्होंने इस बात को पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया है कि DRDO एक ब्रांड न्यू स्वदेशी जेट इंजन को विकसित करने में सक्षम है। बाकी अगर इंजन की बात हो ही रही है तो आपको एक जानकारी और दे दें कि जो हमारा चिंदी पड़ोसी है यानी कि चाइना, वो हमारे निकम्मे पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान की नेवी के लिए 8 सबमरीन्स बनाना चाहता है लेकिन अब उसे दिक्कत दी आ रही कि इन सबमरीन्स में इस्तेमाल करने के लिए जो उसे इंजन चाहिए वो चाहिए जर्मनी के और जर्मनी चाइना को इंजन सप्लाई नहीं करना चाहती है। और इसलिए सोर्सेज का कहना है कि चाइना का ये $multi-billion का प्रोजेक्ट फिलहाल अभी खतरे में है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीन अपने खुद के इंजन को क्यों नहीं लगा रहा है तो आपको बता दें कि जर्मन इंजन की जो चाइनीज अल्टरनेटिव्स हैं या फिर यूं कहें जो चाइनीज कॉपी है उसे पाकिस्तानी नेवी लेना नहीं चाहती है क्योंकि शायद पाकिस्तानी नेवी को उनकी असली क्वालिटी के बारे में पता है और इसी वजह से चीन ने जर्मन फर्म को अप्रोच किया था कि वो उन्हें उनके इंजन सप्लाई करे। और सोर्सेस का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी नेवी चाइनीज इंजन को इसलिए भी नहीं लेना चाहती है क्योंकि वो काफी ज्यादा नॉइजी है और वे क्वालिटी और रिलायबिलिटी दोनों में ही खराब है और इसी वजह से फिलहाल पाकिस्तान का ये सबमरीन वाला जो प्रोग्राम है ये डिले हो रहा है। DRDO ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि करीब 30 सालों के एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद आखिरकार ग्वालियर में स्थित DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल यानी कि NBC परमिएबल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड के लिए एक नेशनल स्टैंडर्ड को विकसित कर लिया है और ऐसा करके भारत US, UK और जर्मनी के बाद दुनिया का 4th ऐसा देश बना है जिसके पास NBC वॉर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के लिए खुद का नेशनल स्टैंडर्ड है। इसका मतलब यह है कि अब से भारत अपनी NBC क्लोथिंग को अपने खुद के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना सकेगा। इसके अलावा अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनके सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडरिटी डे के अवसर पर ये कहा कि हम भारत से एक बार फिर से ये कहना चाहते हैं कि वे हमारे साथ मिलकर कश्मीर विवाद को सुलझाएं लेकिन उससे पहले उन्हें कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से रिस्टोर करना होगा और उसके बाद ही भारत कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए पाकिस्तान से बात कर सकता है।
और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये भी कह रहे थे कि कश्मीर के लोगों को पूरा हक है कि वे अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं, और इसलिए अगर भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से रिस्टोर कर देता है तो पाकिस्तान भारत के साथ फिर से बात करने के लिए तैयार है। और कश्मीर को लेकर इन्होंने ऐसे ही 3-4 बकवास और करी है। खैर चलो, पाकिस्तान का तो ठीक है, वो जब से बना है तब से ही वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता आया है। वो कश्मीर दे दो करके ही पैदा हुआ था और कश्मीर दे दो करके ही निपट भी जाएगा। लेकिन हमने नोट किया कि अभी कुछ दिनों से इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिन्हें भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, और ऐसे लोगों को देखकर तो यही मन करता है कि इन्हें क्रेटा में बैठाकर बुर्ज खलीफा ले जाऊं और वहां से कुदाकर इन्हें रिहा ना करा दूं, तब तक सुकून नहीं आएगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि गुरुवार को चीन ने एक मिड कोर्स के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है, और इस टेस्ट की जानकारी ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी की गई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि इस टेस्ट के दौरान चीन के इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ने अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को सफलतापूर्वक पूरा किया है, और ये टेस्ट चीन के बॉर्डर्स के अंदर ही किया गया था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये टेस्ट एक डिफेंसिव नेचर के लिए था और एक किसी भी देश पर एम नहीं किया गया था। और बता दें कि ये टेस्ट एक ऐसे समय पर हुआ है जब चीन और ताइवान के बीच जो तनाव है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, और फिलहाल अभी चीन की इस नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर इस पे कोई नई जानकारी सामने आती है तो हम आपको उसके अपडेट दे देंगे। लेकिन इस पर हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि आप ये याद रखना कि इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को चाइना ने बनाया है, और चाइना के वेपन्स कितने ज्यादा रिलायबल होते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।